ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य शक्तियाँ बुक सीरीज का नाम है परिवर्तन की शक्ति, पार्ट 8, अव्यक्तवाणी 9 दिसंबर 1889। माया जब किसी के ऊपर भी वार करती है तो माया के वार करने की विधि यही होती है कि कोई ना कोई स्थूल कर्मेंद्रियों अथवा सूक्ष्म शक्तियां मन बुद्धि संस्कार के परवश बना देती है। आप सारथी आत्माओं को जो महामंत्र वशीकरण मंत्र बाप से आपको मिला हुआ है उसको परिवर्तन कर वशीकरण के बजाय वशीभूत बना देती है, और एक बात में भी वशीभूत हुए तो सभी भूत प्रवेश हो जाते हैं, क्योंकि इन भूतों की भी आपस में बहुत यूनिटी है। एक भूत आया अर्थात सभी को आह्वान करेगा, फिर क्या होता है, यह भूत सारथी से स्वार्थी बना देते हैं। और आप क्या करते हो जब सारथीपन की स्मृति में आते हो तो भूतों को भगाने की युद्ध करते हो। युद्ध की स्थिति को योगयुक्त स्थिति नहीं कहेंगे, इसलिए योगयुक्त व युक्तियुक्त मंजिल के समीप जाने के बजाय रुक जाते हो और पहला नंबर स्थिति से दूसरे नंबर में आ जाते हो। सारथी अर्थात वश होने वाले नहीं, लेकिन वश कर चलाने वाले। तो आप सब कौन हो? सारथी होना, सारथी अर्थात आत्म अभिमानी, क्योंकि आत्मा ही सारथी है। ब्रह्मा बाप ने इस विधि से नंबर 1 की सिद्धि प्राप्त की, इसलिए बाप भी इसका सारथी बना। सारथी बनने का यादगार बाप ने करके दिखाया, फॉलो फादर करो। अव्यक्तवाणी 13 दिसंबर 1889। कोई भी विकार का अंश अन्य आत्मा के शूद्र वंश को परिवर्तन कर ब्राह्मण वंशी नहीं बना सकता, उस आत्मा को भी मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए मोहब्बत का फल सदा अनुभव नहीं कर सकते। निरअहंकारी सेवा का अर्थ ही है फल स्वरूप बन झुकना। बिना निर्माण के निर्माण अर्थात सेवा में सफलता नहीं मिल सकती। तो निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी इन तीनों वरदानों को सदा सेवा में प्रैक्टिकल में लाना। अव्यक्तवाणी 17 दिसंबर 1889। वह भले VIP है, लेकिन सारे विश्व में ईश्वरीय संतान के नाते, ब्राह्मण जीवन के नाते आप कितनी भी वी आगे लगा दो तो भी कम है, क्योंकि आपके आधार पर विश्व परिवर्तन होता है। आप विश्व के नव निर्माण के आधार मूर्त हो। स्वस्थिति अर्थात आत्मिक स्थिति, परिस्थिति व्यक्ति व प्रकृति द्वारा आती है। अगर स्वस्थिति शक्तिशाली है तो उसके आगे परिस्थिति कुछ भी नहीं है। प्रकृति के भी मालिक आप हो ना, आपके परिवर्तन से प्रकृति का परिवर्तन होता है। इस समय आप सतो प्रधान बन रहे हो तो प्रकृति भी तमो से सतो में परिवर्तन हो रही है। आप रजोगुणी बनते हो तो प्रकृति भी रजोगुणी बनती है। तो श्रेष्ठ कौन हुआ? आप हुए ना। अव्यक्तवाणी 21 दिसंबर 1889। प्यार की विशेषता यही है, जिससे प्यार होता है उसकी कमी अच्छी नहीं लगेगी, कमी को कमाल के रूप में परिवर्तन करेंगे। बाप को बच्चों की कमी सदा कमाल के रूप में परिवर्तन करने का सदा शुभ संकल्प रहता है। प्यार में बाप को बच्चों की मेहनत देखी नहीं जाती,
कोई मेहनत आवश्यक हो तो करो, लेकिन ब्राह्मण जीवन में मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि दाता, विधाता और वरदाता तीनों संबंध से इतने संपन्न बन जाते हो जो बिना मेहनत रूहानी मौज में रह सकते हो। वर्षा भी है, पढ़ाई भी है और वरदान भी है। जिसको तीनों रूपों से प्राप्ति हो, ऐसे सर्व प्राप्ति वाली आत्मा को मेहनत करने की क्या आवश्यकता है। जब प्रकृति की शक्ति वायुमंडल को परिवर्तन कर सकती है, गर्म को ठंडा बना सकती है, ठंडे को गर्म बना सकती है, तो आप क्या नहीं कर सकते। तो वायुमंडल पावरफुल बनाओ, क्योंकि सेवा ही यह है कि पहले स्व को निर्विघ्न बनाना है और फिर औरों को भी निर्विघ्न बनाना है। अव्यक्तवाणी 7 मार्च 1990। ब्राह्मण आत्माओं की तो बात छोड़ो, लेकिन प्रकृति को भी परिवर्तन करने के सहारे आप हो। परिवार के अविनाशी प्यार के धागे के बीच से निकल नहीं सकते हो। विजयी रत्न प्यार के धागे के बीच से निकल नहीं सकते। इसलिए कभी भी किसी भी बात में, किसी स्थान में, किसी सेवा से, किसी साथी से किनारा करके अपनी अवस्था को अच्छा बना के दिखाऊं, यह संकल्प नहीं करना। अव्यक्तवाणी 31 मार्च 1990। स्व उन्नति तो करेंगे, लेकिन परिवर्तन क्या लाएंगे। चाहे महारथी हो, चाहे नए हो, बाप दादा की एक ही शुभ आशा है, जितना चाहते हैं उतना अभी हुआ नहीं है, रिजल्ट तो सुनाएंगे ना। बाप दादा अल्पकाल का वैराग नहीं चाहते हैं। निजी वैराग आए, जो बाप को अच्छा नहीं लगता वह नहीं करना है, नहीं सोचना है, नहीं बोना है। इसको बाप दादा कहते दिल का प्यार। जैसे ब्रह्मा बाप का फाउंडेशन नंबर 1 परिवर्तन में क्या रहा, बेहद का वैराग। जो बाप ने कहा वह ब्रह्मा ने किया, इसलिए विन करके 1 बन गए। अच्छा, अव्यक्तवाणी 31 दिसंबर 1990। कोई बुरा भी करे, लेकिन आप अपनी शक्ति से बुरे को अच्छे में बदल दो। यही तो परिवर्तन है ना। अपने ब्राह्मण जीवन में बुरा होता ही नहीं। चाहे कोई गाली भी देता है तो बलिहारी गाली देने वाले की। जो सहन शक्ति का पाठ पढ़ाया, बलिहारी तो हुई ना। जो मास्टर बन गया आपका, मालूम तो पड़ा आपको कि सहन शक्ति कितनी है। तो बुरा हुआ या अच्छा हुआ, ब्राह्मणों की दृष्टि में बुरा होता ही नहीं। ब्राह्मणों के कानों में बुरा सुनाई देता ही नहीं। इसलिए तो ब्राह्मण जीवन मौजों की जीवन है। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 1991। आदि ब्राह्मणों का बहुत बड़ा महत्व है। स्थापना, पालना और परिवर्तन। विनाश शब्द थोड़ा ऑफिशियल लगता है, तो स्थापना, पालना और विश्व परिवर्तन करने में आदि ब्राह्मणों का विशेष पार्ट है। अव्यक्तवाणी 13 फरवरी 1991। तेज आग में जो भी चीज डालो तो या तो परिवर्तन या भस्म होगी। परिवर्तन और भस्म करने दोनों में तेज आग चाहिए। योग अग्नि है, लगन की अग्नि भी जगी हुई है, लेकिन सदा ही तेज रहे, कभी तेज कभी कम नहीं। अच्छे के साथ अच्छा चलना यह तो सभी जानते हैं, लेकिन अकल्याण की वृत्ति वाले को अपने कल्याण की वृत्ति से परिवर्तन करो
या क्षमा करो। परिवर्तन ना भी कर सकते, क्षमा तो कर सकते हो ना। मास्टर क्षमा के सागर तो हो ना, तो आपकी क्षमा उस आत्मा के लिए शिक्षा हो जाएगी। आजकल शिक्षा देने से कोई समझता, कोई नहीं समझता। यह करो तो यह शिक्षा हो जाएगी। क्षमा अर्थात शुभ भावना की दुआएं देना, सहयोग देना। अव्यक्तवाणी 25 फरवरी 1991। बार बार चेक करते रहो कि यह रॉन्ग है, यह ठीक नहीं है, और उसको चेंज करने की युक्ति व नॉलेज की शक्ति नहीं दी तो सिर्फ बार बार चेक करने से भी परिवर्तन नहीं होता। इसलिए पहले सदा कर्मेंद्रियों को नॉलेज की शक्ति से चेंज करो। सिर्फ यह नहीं सोचो कि यह रॉन्ग है, लेकिन राइट क्या है और राइट पर चलने की विधि स्पष्ट हो। अगर किसी को कहते रहेंगे तो कहने से परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन कहने के साथ साथ विधि स्पष्ट करो तो सिद्धि हो। अव्यक्तवाणी 17 मार्च 1991। जब आप तपस्वी, संपन्न, संपूर्ण स्थिति से विश्व परिवर्तन का संकल्प करेंगे तो यह प्रकृति भी संपूर्ण हलचल की डांस करेगी, उपद्रव मचाने की डांस करेगी। आप अचल होंगे और वह हलचल में होगी, क्योंकि इतने सारे विश्व की सफाई कौन करेगा? मनुष्य आत्माएं कर सकती हैं? यह वायु, धरती, समुद्र, जल, इनकी हलचल ही सफाई करेगी। तो ऐसी संपूर्णता की स्थिति इस तपस्या से बनानी है। इतनी पावरफुल तपस्या की ऊंची स्थिति हो जो सर्व के एक संकल्प एक समय पर उत्पन्न हो। सेकंड का संकल्प हो परिवर्तन और प्रकृति हाजिर हो जाए। जैसे विश्व की ब्राह्मण आत्माओं का एक ही टाइम वर्ल्ड पीस का योग करते हो ना, तो सभी का एक समय और एक ही संकल्प यादगार रहता है। ऐसे सर्व के एक संकल्प से प्रकृति हलचल की डांस शुरू कर देगी। इसलिए कहते ही हो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। अव्यक्तवाणी 3 अप्रैल 1991। गुणों को, शक्तियों को कार्य में लगाओ तो बढ़ते जाएंगे। तो बचत की विधि, जमा करने की विधि को अपनाओ, फिर व्यर्थ का खाता स्वतः ही परिवर्तन हो सफल हो जाएगा। अव्यक्तवाणी 10 अप्रैल 1991। तपस्वी अर्थात परिवर्तन, तो उनके दुख को भी आप सुख के रूप में स्वीकार करो। परिवर्तन करो तब कहेंगे तपस्वी। ग्लानी को प्रशंसा समझो तब कहेंगे पुण्य आत्मा। जगत अम्बा माँ ने सदैव सभी बच्चों को यही पाठ पक्का कराया कि गाली देने वाले या दुख देने वाली आत्मा को भी अपने रहम दिल स्वरूप से, रहम की दृष्टि से देखो, ग्लानी की दृष्टि से नहीं। वह गाली देवे, आप फूल चढ़ाओ, तब कहेंगे पुण्य आत्मा। तपस्या वर्ष में यह संकल्प करो कि सारा दिन संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, कर्म द्वारा पुण्य आत्मा बन पुण्य करेंगे। और पुण्य की निशानी बताई कि पुण्य का प्रत्यक्ष फल है हर आत्मा की दुआएं। हर संकल्प में पुण्य जमा हो, बोल में दुआएं जमा हो, संबंध संपर्क से दिल से सहयोग की शुक्रिया निकले। इसको कहते हैं तपस्या। ऐसी तपस्या विश्व परिवर्तन का आधार बनेगी। ऐसी रिजल्ट पर प्राइज मिलेगी। अव्यक्तवाणी 26
अक्टूबर 91 यदि व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने की शक्ति नहीं होगी तो अंत में व्यर्थ का संस्कार धोखा दे देगा। इसलिए होली हंस अर्थात परिवर्तन करना, व्यर्थ को समर्थ में चेंज करने के लिए विशेष क्या अभ्यास चाहिए, कैसे चेंज करेंगे, संकल्प पावरफुल कैसे बनेगा। हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना अगर ऐसी विधि होगी तो परिवर्तन कर लेंगे। योग के प्रयोग को और अनुभव की प्रयोगशाला में प्रयोग की गति को बढ़ाओ। वर्तमान समय सर्व आत्माओं को आवश्यकता है आपके शक्तिशाली वाइब्रेशंस द्वारा, वायुमंडल द्वारा परिवर्तन होने की, इसीलिए प्रयोग को और बढ़ाओ। स्व परिवर्तन से दूसरे का परिवर्तन कर सकते हो। दूसरे का परिवर्तन हो तो मैं परिवर्तन हूँ, तो ना वह बदलेगा ना आप बदलेंगे, दोनों रह जाएंगे। तो होली हंस अर्थात स्व परिवर्तन द्वारा औरों को परिवर्तन करें। आपकी शुभ भावना और शुभ कामना वाणी से भी ज़्यादा काम कर सकती है। किसी के भी सामने जाओ, आपकी रूहानी भावना और कामना हो तो वह परिवर्तन अवश्य होगा। जैसे बाप दादा ने आपके व्यर्थ कर्म को देखकर परिवर्तन कर लिया ना, कैसे किया, शुभ भावना से मेरे बच्चे हैं, तो आपकी शुभ भावना कि मेरा परिवार है ईश्वरीय परिवार है। कैसा भी है, चाहे वह पत्थर है, लेकिन आप पत्थर को भी पानी कर दो। ऐसी शुभ भावना और शुभ कामना वाले होली हंस हो। हंस को सदा स्वच्छ दिखाते हैं तो स्वच्छ बुद्धि हंस के समान परिवर्तन करेंगे, अपने में धारण नहीं करेंगे। तो संगम युगी होली हंस हैं, यह स्मृति सदा रखनी है। अव्यक्तवाणी 11 दिसंबर 91। माताएं कभी बोलती हो, बहू ने बहुत दुख दिया, तंग किया। बहू कहे, सासू ने बहुत दुख दिया, ननद ने बहुत दुख दिया। ऐसे तो नहीं कहती हो, भाषा परिवर्तन हो गई है, लेने वाले लेंगे नहीं तो कहाँ से आपके पास आया, बाप दादा ने क्या पक्का कराया था। ना दुख दो ना दुख लो, हम तो किसको दुख देते नहीं, यह अधूरा हुआ, दुख लेते भी नहीं। तो जब ना देंगे ना लेंगे तब अतिंद्रिय सुख में रहेंगे, देने वाला कोई किचड़ा देवे तो ले लेंगे। दुख अच्छा है या बुरा, जब बुरी चीज़ है तो लेते क्यों हो, वो दे देता है मजबूरी से इसलिए ले लेते हो। अगर कोई किचड़ा फेंक कर भी जाए तो आप क्या करेंगे, फेंक देंगे या रख देंगे जमा करके। अगर ज़बरदस्ती कोई दे भी देता है तो ख़त्म कर दो, रखते क्यों हो, धारण क्यों करते हो। ब्राह्मण अर्थात सदा सुखी, सदा सुख देने वाले। ब्राह्मणों का काम है सुख देना और सुख लेना, तो सदा सुख के झूले में झूलते रहो। बाप कहते हैं, सदा बाप के साथ झूले में झूलते रहो, यही भक्ति का फल है। अव्यक्तवाणी 18 दिसंबर 91। तेज आग के आगे कोई भी चीज़ परिवर्तन ना हो, यह हो ही नहीं सकता। तो यह कभी नहीं कहना, कड़ा हिसाब है, कमज़ोरी ही सहज को मुश्किल बना देती है। ईश्वरीय शक्ति का बहुत बड़ा महत्व है, तो सदा स्व को देखो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो। और बातों में जाना, औरों को देखना माना गिरना, और बाप को देखना बाप का सुनना अर्थात उड़ना।
अव्यक्तवाणी 31 दिसंबर 1991। यथार्थ चार्ट का अर्थ ही है हर सब्जेक्ट में प्रगति अनुभव हो, परिवर्तन अनुभव हो। परिस्थितियां व्यक्ति द्वारा या प्रकृति द्वारा या माया द्वारा आना, यह ब्राह्मण जीवन में आना ही है। लेकिन स्वस्थिति की शक्ति ने परिस्थिति के प्रभाव को ऐसे ही समाप्त किया जैसे एक मनोरंजन की सीन सामने आई और गई। संकल्प में परिस्थिति के हलचल की अनुभूति ना हो, याद की यात्रा सहज भी हो और शक्तिशाली भी हो। पावरफुल याद एक समय पर डबल अनुभव कराती है। एक तरफ याद अग्नि बन भस्म करने का काम करती है, परिवर्तन करने का काम करती है, और दूसरी तरफ खुशी और हल्केपन का अनुभव कराती है। ऐसे विधि पूर्वक शक्तिशाली याद को ही यथार्थ याद कहा जाता है। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 1992। कभी भी अपना स्नेही मूरत, स्नेह की सीरत, स्नेही व्यवहार, स्नेह के संपर्क संबंध को छोड़ना मत, भूलना मत। चाहे कोई व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे माया, कैसा भी विकराल रूप, ज्वाला रूप धारण कर सामने आए, लेकिन विकराल ज्वाला रूप को सदा स्नेह के शीतलता द्वारा परिवर्तन करते रहना। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 1992। अपने आप से पूछो, आप सभी आत्माओं को ब्राह्मण परिवार में परिवर्तन करने का, आकर्षित करने का विशेष आधार क्या रहा? यही सच्चा प्यार, माता पिता का प्यार, रूहानी परिवार का प्यार। इस प्यार की प्राप्ति ने परिवर्तन किया। ज्ञान तो पीछे समझते हो, लेकिन पहला आकर्षण सच्चा निस्वार्थ पारिवारिक प्यार, यही फाउंडेशन रहा ना। इससे ही सभी आए ना। विश्व में अरब खरब पति बहुत हैं, लेकिन परमात्म सच्चे प्यार के भिखारी हैं। क्यों? अरब खरब से यह प्यार नहीं मिलता। साइंस वालों ने देखो, कितने भी अल्पकाल के सुख के साधन विश्व को दिया है, लेकिन जितने बड़े वैज्ञानिक हैं उतना और कुछ खोज करें और कुछ खोज करें, इस खोज में ही खोए हुए हैं। संतुष्टता की अनुभूति नहीं है। और कुछ करें और कुछ करें, इसमें ही समय गंवा देते हैं। उन्हों का संसार ही खोज करना हो गया है। आप जैसे स्नेह संपन्न जीवन की अनुभूति नहीं है। नेताएं देखो, अपनी कुर्सी संभालने में ही लगे हुए हैं। कल क्या होगा, इस चिंता में लगे हुए हैं। और आप ब्राह्मण सदा परमात्म प्यार के झूले में झूलते हो। कल का फिक्र नहीं है, ना कल का फिक्र है, ना काल का फिक्र है। क्यों? क्योंकि जानते हो, जो हो रहा है वह भी अच्छा, और जो होना है वह और अच्छा। इसलिए अच्छा अच्छा कहते अच्छे बन गए हो। अव्यक्तवाणी 2 मार्च 1992। आपकी विशेष सेवा विश्व परिवर्तन की भी शुभ वृत्ति से है। वृत्ति से वाइब्रेशन वायुमंडल बनाते हो, तो श्रेष्ठ वृत्ति का यह व्रत धारण करना, यही शिवरात्रि मनाना है। अव्यक्तवाणी 16 मार्च 1992। बाप के संग का रंग सबको अति प्यारा लगता है, इसलिए रंग सभी में आ गया है और रूप भी परिवर्तन हो गया है, क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं बन गई। भल कैसी भी पुरुषार्थी आत्मा है, लेकिन ब्राह्मण आत्मा बनने से रूप जरूर बदलता है। ब्राह्मण आत्मा की चमक, सुंदरता,
हर एक ब्राह्मण आत्मा में आ जाती है, इसलिए रंग और रूप सब में दिखाई दे रहा है। अव्यक्तवाणी 1 अप्रैल 1992 विश्व परिवर्तन के लिए बहुत सूक्ष्म शक्तिशाली स्थिति वाली आत्माएं चाहिए, जो अपने वृत्ति द्वारा, श्रेष्ठ संकल्प द्वारा अनेक आत्माओं को परिवर्तन कर सकें। स्वयं स्नेही व भावुक आत्मा स्वयं में बहुत अच्छे चलते हैं, लेकिन वह स्नेह व भावना विश्व के प्रति नहीं होती, स्वयं के प्रति व कुछ समीप आत्माओं के प्रति होती है। बेहद की सेवा व विश्व प्रति सेवा बैलेंस वाली आत्माएं कर सकती हैं। बेहद की सेवा व अपनी शक्तिशाली मनसा शक्ति द्वारा, शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा होती है। सिर्फ स्वयं के प्रति भावुक नहीं, लेकिन औरों को भी शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा परिवर्तित कर सकते हो। तो ऐसे भावना और ज्ञान, स्नेह और योग शक्ति हो, ऐसी आत्माएं बने हो कि सिर्फ स्नेही भावुक आत्माओं को देख खुश हो रहे हो, कल्याणकारी बने हो या बेहद विश्व कल्याणकारी बने हो, यह चेक करो। अव्यक्तवाणी 8 अप्रैल 1992 जब स्वयं संपन्न बनो, तब विश्व परिवर्तन का कार्य भी संपन्न होगा। आप सबके संपन्नता की कमी के कारण विश्व परिवर्तन कार्य संपन्न होने में रुका हुआ है। प्रकृति दासी बन आपके सेवा के लिए इंतजार कर रही है कि ब्राह्मण आत्माएं ब्राह्मण सो फरिश्ता और फिर फरिश्ता सो देवता बने, तो हम दिल व जान, सिख व प्रेम से सेवा करें, क्योंकि सिवाय फरिश्ता बने देवता नहीं बन सकते, ब्राह्मण से फरिश्ता बनना ही पड़े। और फरिश्ता का अर्थ ही है जिसका पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार, पुरानी देह के प्रति कोई आकर्षण का रिश्ता नहीं। तीनों में पास चाहिए, तीनों से मुक्त। अव्यक्तवाणी 15 अप्रैल 1992 बाप दादा ऐसे बच्चों को सदा सावधान करते हैं कि समय पर जागे और समय प्रमाण परिवर्तन किया तो यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन समय के पहले परिवर्तन किया तो आपके पुरुषार्थ में यह पुरुषार्थ की मार्क्स जमा होगी, और अगर समय पर किया तो समय को मार्क्स मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी। जितना कायदा उतना फायदा है, जो कायदे में चलते हैं उनको स्वयं ही अंदर फायदा होता है। बाहर से कोई फायदा देवे ना देवे, लेकिन जो अंदर का हल्कापन और अंदर की खुशी होती है वह फायदा सबसे ज़्यादा है। कोई अच्छा कहे ना कहे, लेकिन स्वयं में अच्छे बनने की शक्ति आ जाती है। समझा? वर्ष की रिजल्ट सुनी, अभी क्या करेंगे? स्व परिवर्तन करना, दूसरे के परिवर्तन की चिंता नहीं करना, इसको शुभ चिंतक नहीं कहा जाता है। फिर कहते हैं हम चिंता नहीं करते हैं, शुभ चिंतक है ना, लेकिन स्व को भूल दूसरे के शुभ चिंतक बनना, इसको शुभ चिंतक नहीं कहा जाता है। सर्व के साथ पहले स्व होना चाहिए। स्व नहीं और सर्व के शुभ चिंतक बनने चलो तो तीर नहीं लगेगा, सफलता नहीं मिलेगी। अव्यक्तवाणी 3 अक्टूबर 1992 सबसे सहज सदा शक्तिशाली रहने की विधि क्या है? जिस विधि से सहज और सदा निर्विघ्न भी रह सकते हैं और उड़ती कला का भी अनुभव कर सकते हैं। सबसे सहज विधि है, और कुछ भी भूल जाए लेकिन एक बात कभी नहीं भूले
मेरा बाबा दिल से मानना यही सबसे सहज विधि है आगे बढ़ने की। मेरा मेरा मानने का संस्कार तो बहुत समय का है ही, उसी संस्कार को सिर्फ परिवर्तन करना है। अनेक मेरे को एक मेरा बाबा उसमें समाना है। एक को याद करना सहज है ना, और एक मेरे में सब कुछ आ जाता है, तो सबसे सहज विधि है मेरा बाबा। अव्यक्तवाणी 13 अक्टूबर 1992। 63 जन्मों के विस्मृति के संस्कार व कमजोरी के संस्कार ब्राह्मण जीवन में कहाँ कहाँ मूल नेचर बन पुरुषार्थ में विघन डालते हैं। कितना भी स्वयं व दूसरा अटेंशन खिंचवाता है कि यह परिवर्तन करो, व स्वयं भी समझते हैं कि यह परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन जानते हुए भी चाहते हुए भी क्या कहते हो, चाहते तो नहीं है लेकिन मेरी नेचर है यह, मेरा स्वभाव है यह, तो नेचर नेचुरल हो गई है ना। किसके बोल में व व्यवहार में ज्ञान संपन्न व्यवहार व योगी जीवन प्रमाण व्यवहार व बोल नहीं होते हैं तो वो क्या कहते हैं, यही बोल बोलेंगे कि मेरा नेचुरल बोल ही ऐसा है, बोलने का टोन ही ऐसा है, व कहेंगे मेरी चाल चलन ही ऑफिशियल व गंभीर है, नाम अच्छे बोलते हैं, जोश नहीं है लेकिन ऑफिशियल है, तो चाहते भी समझते भी नेचर नेचुरल वर्क करती रहती है, उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ऐसे जो ज्ञानी जीवन व योगी जीवन में रहते हैं तो ज्ञान और योग संपन्न हर कर्म नेचुरल होते हैं, अर्थात ज्ञान और योग यही उनकी नेचर बन जाती है, और नेचर बनने के कारण श्रेष्ठ कर्म युक्ति युक्त कर्म नेचुरल होते रहते हैं। तो समझा, नेचर नेचुरल बना देती है, तो ज्ञान और योग मूल नेचर बन जाए, इसको कहा जाता है ज्ञानी जीवन योगी जीवन वाला। अव्यक्तवाणी 12 नवंबर 1992। दिव्य बुद्धि के वरदान से परिवर्तन शक्ति अदिव्य को भी दिव्य के रूप में बदल देगी। अदिव्य वातावरण या अदिव्य चलन बोल दिव्य बुद्धि के ऊपर असर नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति वाले को ही दिव्य बुद्धि वरदानी मूर्त कहा जाएगा। परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ को समर्थ बनाना ही होली हंस बनना है। व्यर्थ का खाता समाप्त हो जाए और सदा समर्थ का खाता जमा होता रहे। वो व्यर्थ आपको दे, लेकिन आप परिवर्तन कर समर्थ धारण करो। इतनी तीव्र परिवर्तन शक्ति चाहिए। जैसे आज की साइंस व्यर्थ को कार्य में लगाकर अच्छा बना देती है, कई वेस्ट चीज़ों को बेस्ट में परिवर्तन कर लेते हैं, आपकी रचना इतनी फास्ट परिवर्तन कर सकती है। जैसे देखो, खाद होती है ना, तो खाद बुरी चीज़ है, लेकिन पैदा क्या करती है, खाद गंदी है, लेकिन जब फूल पैदा होता है तो खुशबू वाला होता है या बदबू वाला होता है, तो खाद में परिवर्तन करने की शक्ति है ना। स्वयं कैसी भी है लेकिन पैदा क्या करती है, फल फूल सब्जियाँ। तो आपकी रचना में कितनी शक्ति है, तो आप में उससे ज़्यादा शक्ति है ना। वो गाली दें और आप उसको फूल बनाकर धारण करो, वो गुस्सा करें और आप उसको शांति का शीतल जल दो, यह परिवर्तन शक्ति चाहिए। होली हंस का यही कर्तव्य है। ऐसी जीवन बनी है या कहेंगे क्या करें, बोला ही खराब ना,
किया कि बहुत खराब बात है ही बहुत खराब, लेकिन खराब को ही तो अच्छा बनाना है, अच्छे को तो अच्छा नहीं बनाना है। अच्छे आए थे या खराब आए थे तो बाप ने अच्छा बनाया ना, या कहा कि ये बहुत खराब है, इनको अच्छा कैसे बनाऊं? सोचा बना दिया ना, तो बाप ने आप सभी को बुरे से अच्छा बनाया, और आप बुरी बात को अच्छा नहीं बना सकते। बुरे का प्रभाव आपके ऊपर पड़ जाता है। वायुमंडल ही खराब था ना, यह होली हंस का लक्षण नहीं है। कैसा भी वातावरण हो, कैसी भी वृत्ति हो, कैसी भी वाणी हो, कैसी भी दृष्टि हो, लेकिन होली हंस सबको होली बना देते हैं। सदा यह पावर रहे और सदा ऐसे तीव्र गति के परिवर्तन की विधि आ जाए तो क्या बन जाएंगे? फरिश्ता। अव्यक्तवाणी 23 दिसंबर 1993। बाप दादा कोई कोई बच्चों के शब्द पर मुस्कुराते रहते हैं। जब स्व के परिवर्तन का समय आता है, वह सहन करने का समय आता है, वह समाने का समय आता है, तो क्या कहते हो? बहुत करके क्या कहते कि मुझे ही मरना है, मुझे ही बदलना है, मुझे ही सहन करना है। लेकिन जैसे लोग कहते हैं ना कि मरा और स्वर्ग गया, उस मरने में तो स्वर्ग में कोई जाते नहीं है, लेकिन इस मरने में तो स्वर्ग में श्रेष्ठ सीट मिल जाती है। तो यह मरना नहीं है, लेकिन स्वर्ग में स्वराज लेना है। तो मरना अच्छा है ना? क्या मुश्किल है? उस समय मुश्किल लगता है, मैं गलत हूँ ही नहीं, वो गलत है, लेकिन गलत को मैं राइट कैसे करूँ? यह नहीं आता। रॉन्ग वाले को बदलना चाहिए या राइट वाले को बदलना चाहिए? किसको बदलना है? दोनों को बदलना पड़े। बदलने शब्द को आध्यात्मिक भाषा में आगे बढ़ना मानो, बदलना नहीं मानो, बढ़ना। उल्टे रूप का बदलना नहीं, सुलटे रूप का बदलना। अपने को बदलने की शक्ति है कि कभी तो बदलेंगे ही। पवित्रता का अर्थ ही है सदा संकल्प, बोल, कर्म, संबंध और संपर्क में तीन बिंदु का महत्व हर समय धारण करना। कोई भी ऐसी परिस्थिति आए तो सेकंड में फुल स्टॉप लगाने में स्वयं को सदा पहले ऑफर करो, मुझे करना है। ऐसी ऑफर करने वाले को तीन प्रकार की दुआएं मिलती हैं। पहला, स्वयं को स्वयं की भी दुआएं मिलती हैं, खुशी मिलती है। दूसरा, बाप द्वारा। और तीसरा, जो भी श्रेष्ठ आत्माएं ब्राह्मण परिवार की हैं, उनके द्वारा भी दुआएं मिलती हैं। तो मरना हुआ या पाना हुआ, क्या कहेंगे? पाया ना, तो फुल स्टॉप लगाने के पुरुषार्थ को व कंट्रोलिंग पावर द्वारा परिवर्तन शक्ति को तीव्र गति से बढ़ाओ। अलबेलापन नहीं लाओ, यह तो होता ही है, ये तो चलना ही है, ये अलबेलेपन के संकल्प हैं। अलबेलापन परिवर्तन कर अलर्ट बन जाओ। अच्छा, अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 1994। कोई भी संकल्प व संस्कार नेगेटिव से पॉजिटिव में परिवर्तन कर सकते हैं, और कितने समय में कर सकते हैं? समय है 1 सेकंड का, और आप 5 सेकंड में करो तो क्या होगा? तो अटेंशन इस परिवर्तन शक्ति का चाहिए। पहले स्वयं को परिवर्तन करो, तब विश्व को परिवर्तन कर सकते हो। तो स्व परिवर्तक बने हो, पहले है स्व परिवर्तक, उसके बाद है विश्व परिवर्तक। क्योंकि अनुभव होगा कि व्यर्थ संकल्प की गति बहुत फास्ट होती है। 1 सेकंड में कितने व्यर्थ संकल्प चलते हैं, अनुभव है ना?
फास्ट चलते हैं ना, तो ऐसे फास्ट गति के समय पावरफुल ब्रेक लगाकर परिवर्तन करने का अभ्यास चाहिए। डबल विदेशियों को देख बाप दादा डबल खुश होते हैं, क्यों? डबल पुरुषार्थ करते हैं। एक तो अपना रीति रस्म परिवर्तन करने का भी पुरुषार्थ करते हैं। बाप दादा देखते हैं कि उमंग उत्साह मेजॉरिटी में अच्छा है। अगर कभी उमंग उत्साह बीच बीच में नीचे ऊपर होता है तो आज विधि सुनाई कि समा जाओ, स्नेह की गोदी में छिप जाओ, फिर माया आएगी ही नहीं। ये तो सहज है ना, कितनी भी बड़ी कैसी भी परिस्थिति हो, प्यार से स्नेह से परिस्थिति रूपी पहाड़ भी परिवर्तन हो पानी समान हल्का बन सकता है। पत्थर को पानी बना सकते हो, कैसा भी माया का विकराल रूप व रॉयल रूप सामना करे तो सेकंड में स्नेह के सागर में समा जाओ, तो सामना करने की माया की शक्ति समाप्त हो जाएगी। आपके समाने की शक्ति छू मंत्र नहीं लेकिन शिव मंत्र बन जाएगी। अव्यक्तवाणी 25 जनवरी 1994। तीव्र गति से वर्ष तो संपन्न हो गया, मालूम हुआ वर्ष कैसे पूरा हो गया, तो चेक करो मुझ विशेष आत्मा की परिवर्तन की गति तीव्र रही वा कभी तीव्र कभी मध्यम रही। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट तो निजी लाइट स्वरूप स्मृति स्वरूप में कहाँ तक रहा, साथ साथ लाइट अर्थात हल्कापन स्व के परिवर्तन के पुरुषार्थ में कहाँ तक लाइट अर्थात हल्के रहे। मन अर्थात संकल्प शक्ति में व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने में अर्थात व्यर्थ के बोझ को हल्का करने में कहाँ तक सफल रहे। इसी प्रकार व्यर्थ समय, व्यर्थ संग, व्यर्थ वातावरण, इस सब में कहाँ तक परिवर्तन करने में हल्के रहे। ब्राह्मण परिवार के संबंध में, सेवा के संबंध में कहाँ तक हल्के रहे। इसको कहा जाता है फरिश्तापन के तीव्र गति की स्थिति। इस विधि से चेक करो और भविष्य के लिए चेंज अर्थात परिवर्तन करो। जितनी प्रकृति की हलचल उतनी अचल स्थिति प्रकृति को परिवर्तन करेगी। ब्राह्मण संपन्न हो जाओ तो दुख की दुनिया संपन्न हो जाए, तो रहम पड़ता है या नहीं? रहम पड़ता है तो फिर क्या करते हो? फिर भी ईश्वरीय परिवार के है ना, तो परिवार का कोई भी दुख सुख में परिवर्तन करने का संकल्प तो आता है ना। कोई परिवार में बीमार भी हो तो क्या संकल्प होता है? जल्दी ठीक हो जाए, तो चिल्लाते चिल्लाते मरना और एक धक से परिवर्तन होना, फर्क तो है ना। महाविनाश और रिहर्सल का विनाश फर्क है। महाविनाश अर्थात महान परिवर्तन, उसके निमित्त आप हो। संपन्न बनेंगे तो समाप्ति होगी। परिवर्तन की शुभ भावना को तीव्र करना अर्थात अपने को तीव्र गति से संपन्न बनाना। आप भी कभी कैसे होते हो तो प्रकृति भी कभी बहुत तीव्र गति से कार्य करती, कभी ठंडी हो जाती। तो अभी क्या करना है? रहम की भावना इमर्ज करो, चाहे स्वप्रति चाहे सर्व आत्माओं के प्रति। जहाँ रहम होगा वहाँ तेरा मेरा की हलचल नहीं होगी। पूज्य स्वरूप मर्सीफुल का धारण करो, ठीक है ना? अभी ये लहर फैलाओ, हर संकल्प में मर्सीफुल। संकल्प में होंगे तो वाणी और कर्म स्वतः ही हो जाएंगे। सब चिल्लाते भी क्या है, मर्सी मर्सी। अव्यक्तवाणी
1 फरवरी 94 जो निमित्त हैं उनको विशेष नई नई बातें टच होने का विशेष वरदान है। थोड़ा समय भी बीतेगा तो विचार चलते हैं ना, टचिंग आती है ना कि अभी ये हो, अभी ये हो, अभी ये होना चाहिए। तो निमित्त आत्माओं को विशेष उमंग उत्साह बढ़ाने के व परिवर्तन शक्ति को बढ़ाने के प्लान की ज़रूरत है। अव्यक्तवाणी 9 मार्च 94। अगर आप बच्चों से मिलन मनाने भी साकार में चाहे व आकार में भी चाहे तो ब्रह्मा का आधार लेना ही पड़ता है। ब्रह्मा के बिना भी कुछ कर नहीं सकता, माध्यम के बिना साकार मिलन नहीं मना सकता। तो कितना प्यार बाप का बच्चों से है और बच्चों का बाप से है, एक दो के बिना कुछ नहीं कर सकते। अगर बाप को किनारा किया, साथ नहीं रखा, तो अकेले कुछ कर सकते हो? बाप कर सकता है, बाप भी नहीं कर सकता। तो ये बाप और बच्चों का साथ साथ दिव्य जन्म लेना, साथ साथ विश्व परिवर्तन करना और साथ साथ अपने स्वीट होम में जाना, ये ड्रामा की अविनाशी नोंद है। पुरुषार्थ और रोग के प्रयोग से सबकी वृत्तियों को परिवर्तन करना, ये साथ साथ रहता है तो सफलता समीप आती है। अव्यक्तवाणी 9 मार्च 94। एक दृढ़ निश्चय और दूसरा प्रयोग द्वारा किसी की भी बुद्धि को परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन इतना पावरफुल योग हो। यह संगठन के प्रयोग ने सफलता प्रत्यक्ष रूप में दिखाई। हिस्ट्री में देखो, आदि से सेवा की हिस्ट्री में जब भी कोई हलचल हुई है तो सफलता योग के प्रयोग की विशेषता से ही हुई है। पुरुषार्थ निमित्त बनता है, पुरुषार्थ धरनी बनाता है, वो भी ज़रूरी है, लेकिन सफलता का बीज उत्पन्न होने का साधन, बाहर आने का साधन फिर भी योग का प्रयोग ही रहा। यह सबको अनुभव है ना, धरनी को बनाना भी ज़रूरी है, लेकिन बीज से फल प्रत्यक्ष रूप में आए उसके लिए बैलेंस चाहिए। बाप का बनना अर्थात परिवर्तन होना, ब्राह्मण बनना अर्थात स्मृति स्वरूप बनना, इस अपने अनादि स्वरूप में स्थित होने से स्वयं भी स्वयं से संतुष्ट रहते और औरों को भी संतुष्टता की विशेषता अनुभव कराते हैं। अव्यक्तवाणी 14 अप्रैल 94। आत्मशक्ति की उड़ान की तीव्र गति की आदि करो, चाहे स्वपरिवर्तन में, चाहे किसी की भी वृत्ति परिवर्तन में, चाहे वायुमंडल परिवर्तन में, चाहे संबंध संपर्क के परिवर्तन में, अभी तीव्र गति लाओ। तीव्रता की निशानी है सोचा और हुआ, ऐसे नहीं सोचा तो है हो जाएगा, नहीं सोचा और हुआ। संकल्प, बोल और कर्म तीनों श्रेष्ठ साथ साथ हो। ज्ञान सरोवर तो है ही सरोवर, सरोवर में जाते ही परिवर्तन हो जाता है। तो ज्ञान सरोवर को बाप दादा आत्माओं की वृत्ति और जीवन परिवर्तन करने का सरोवर कहते हैं। इसलिए ज्ञान सरोवर में सेवा करने वाले सदा ही अथक भव और सदा वृद्धि को प्राप्त भव आत्माएं हैं। प्रगति की सफलता का वरदान ज्ञान सरोवर के स्थान और सेवाधारियों को सदा है ही। अव्यक्तवाणी 17 नवंबर 94। तमिलनाडु सदा सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदाता है। कोई दुख भी दे तो उसको सुख में परिवर्तन कर लेंगे। तो 6 मास की रिजल्ट देखेंगे, ऐसे ताली नहीं बजाना,
रिजल्ट के समय भी ताली बजे ऐसा करना। अव्यक्तवाणी 26 नवंबर 1994। कभी बहुत अच्छे चलते हो, कभी चलते हो, कभी उड़ते हो, आगे बढ़ते हो, लेकिन फिर नीचे क्यों आ जाते हो? इसका विशेष कारण क्या? परिवर्तन शक्ति की कमजोरी है। समझते भी हो कि ये यथार्थ नहीं है, लेकिन परिवर्तित होने की कमी हो जाती है। ब्राह्मण जीवन में परिवर्तन में आ गए, अब कोई कहेंगे कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। सभी अपने को बीके लिखते होना, हम ब्राह्मण हैं, यह समझते होना। ब्राह्मण जीवन में जो परीक्षाएं आती है उसमें परिवर्तन करने की शक्ति आवश्यक होती है। जब व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो समझते भी हो कि ये व्यर्थ है, लेकिन व्यर्थ संकल्पों का बहाव इतना तेज होता है जो अपने तरफ खींचता जाता है। जैसे नदी का व सागर का बहुत फोर्स होता है, तो कितना भी अपने को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी बहते जाते हैं। समझते भी हो, सोचते भी हो कि ये ठीक नहीं है, इससे नुकसान है, फिर भी बहाव में बह जाते हो। इसका कारण क्या? परिवर्तन शक्ति की कमी। पहला विशेष परिवर्तन है स्वरूप का परिवर्तन। मैं शरीर नहीं लेकिन अनुभवी मूर्त बनना, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ की निशानी है। आत्मा हो, यह स्वरूप का परिवर्तन है, यह आदि परिवर्तन है। इसमें भी चेक करो तो जब देह भान का फोर्स होता है तो आत्म अभिमान के स्वरूप में टिक सकते हो या बह जाते हो। अगर सेकंड में परिवर्तन शक्ति काम में आ जाए तो समय संकल्प कितने बच जाते हैं, वेस्ट से बेस्ट में जमा हो जाते हैं। पहली परिवर्तन शक्ति है स्वरूप का परिवर्तन और स्वभाव का परिवर्तन। पुराना स्वभाव पुरुषार्थी जीवन में धोखा देता है। समझते भी हो कि यह मेरा स्वभाव यथार्थ नहीं है और यह स्वभाव समय प्रति समय धोखा भी देता है, यह भी समझते हो, लेकिन फिर भी स्वभाव के वश हो जाते हो। फिर अपने बचाव के लिए कहते हो कि मेरा भाव नहीं था, मेरा स्वभाव ऐसा है, मैं चाहता या चाहती नहीं हूँ लेकिन मेरा स्वभाव है। ब्राह्मण बन गए तो जन्म बदल गया, संबंध बदल गया, माँ बाप बदल गए, परिवार बदल गया, लेकिन स्वभाव नहीं बदला। फिर रॉयल शब्द कहते कि मेरी नेचर है। तो पहली कमजोरी स्वरूप का परिवर्तन, दूसरा स्वभाव का परिवर्तन, तीसरा संकल्प का परिवर्तन। सेकंड में व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करो। कई समझते हैं बस आधा घंटे का तूफान था, आधा घंटा 15 मिनट चला, लेकिन आधा घंटा व 15 मिनट की कमजोरी संस्कार बना देती है ना। जैसे शरीर में अगर कोई बार बार कमजोर होता रहे तो सदा के लिए कमजोर बन जाते हैं। तो 15 मिनट कोई कम नहीं है। संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के समान है, तो ऐसे अलबेले नहीं बनो। भल थोड़ा ही चला लेकिन गवाया कितना। जब कदम में पदम कहते हो तो 15 मिनट में कितने कदम उठेंगे और कितने पदम गवाए। जमा में तो हिसाब अच्छा रखते हो कि कदम में पदम जमा हो गया, लेकिन गवाने का भी तो हिसाब रखो। तो ना चाहते हुए भी संस्कार खींचते हैं, जो भी बात बार बार होती वो संस्कार रूप में भर जाती है। तो संकल्प परिवर्तन करो, सिर्फ सोचते नहीं रहो, करना नहीं चाहिए, हो गया, क्या करूं, नहीं,
सोचो और करके दिखाओ। कहते हो बिंदी को बिंदी लगाओ, एक दो को ज्ञान देते हो ना। कोई आकर बात करेंगे तो कहेंगे ठीक है बिंदी लगा दो, लेकिन स्वयं बिंदी लगाते हो? बिंदी लगाने लिए कौन सी शक्ति चाहिए? परिवर्तन शक्ति। परिवर्तन शक्ति वाला सदा ही निर्मल और निर्माण रहता है। जैसे पहले भी बाप दादा ने सुनाया है कि मोल्ड होने वाला ही रियल गोल्ड है। रियल गोल्ड की निशानी है वो मोल्ड हो। विधि को बार बार रिवाइज करो तो रियलाइज होगा। तो चेक करो कि परिवर्तन शक्ति समय पर काम आती है या समय बीत जाने के बाद सोचते ही रहते हैं। तो परिवर्तन शक्ति को बढ़ाना है। जिसमें परिवर्तन शक्ति है वो सबका प्यारा बनता है, विचारों में भी सहज रहेगा। आगे बढ़ते सेवा में रहते हो ना, सेवा में भी विघ्न रूप क्या होता है? मेरा विचार, मेरा प्लान, मेरी सेवा इतनी अच्छी होते हुए भी मेरा क्यों नहीं माना गया? तो उसको रियल गोल्ड कहेंगे। मेरापन आ गया। मेरापन आना अर्थात अलॉय मिक्स होना। जब रियल गोल्ड में अलॉय मिक्स हो जाता है तो वो रियल रहता है, उसका मूल्य रहता है। कितना फर्क पड़ जाता है। तो समय और वायुमंडल को परख कर अपने को परिवर्तन करना इसकी आवश्यकता है। मोटी मोटी बातों में परिवर्तन करना तो सहज है, लेकिन हर परिस्थिति में, हर संबंध संपर्क में समय और वायुमंडल को समझ स्वयं को परिवर्तन करना, यही नंबर वन बनना है। ये नहीं सोचो कि फलाना भी समझे ना, ये भी तो परिवर्तन करे ना, सिर्फ मैं ही परिवर्तन करूं क्या? जो ओटे सो अर्जुन, इसमें अगर आपने अपने को परिवर्तन किया तो ये परिवर्तन ही विजयी बनने की निशानी है। समझा? अच्छा। अव्यक्तवाणी 5 दिसंबर 1994। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, एक बहुत बड़ी गलती करते हैं वह चलते चलते हो जाती है। करना नहीं चाहते हैं लेकिन हो जाती है। वह क्या? दूसरे के जज बन जाते हैं और अपने वकील बन जाते हैं। बनना है अपना जज और बनते हैं दूसरों का। इसको यह नहीं करना चाहिए, इनको बदलना चाहिए। और अपने लिए समझेंगे यह बात बिल्कुल सही है, मैं जो कहती हूँ वही राइट है, ये ऐसे हैं ये वैसे हैं। वकील लोग भी सिद्ध करते हैं ना, सच को झूठ, झूठ को सच। और जितने प्रमाण देना वकीलों को आता है उतना और किसको नहीं आता। अपना जज बनना ये गलती हो जाती है। दूसरों के लिए रिमार्क देना बहुत सहज है, लेकिन अपने को बदलना है। स्लोगन भी है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। पहले स्व है, सुना क्या चार्ट देखा। अव्यक्तवाणी 5 दिसंबर 1994। टीचर्स अभी ये कमाल करके दिखाएं। जैसे परिवर्तन में आज्ञाकारी तो बने, आज्ञाकारी बनने का हाँ जी करने का एक पार्ट तो पक्का कर लिया, लेकिन दूसरा पार्ट बेहद के वैराग्य वृत्ति का, अभी ये पार्ट पक्का करके दिखाओ। क्योंकि निमित्त होना तो निमित्त आत्माएं ही निर्माण बन, निर्माण का कर्तव्य बहुत सहज कर सकती हैं। ओम शांति।